अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अज़रा करीम व्लॉग। बैठे फैमिली कैसे हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैर हो, आप कैसे होंगे? और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपकी दुआ से ठीक हैं। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता रखे, जहाँ रहें आबाद रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक हर वक्त आपकी हिफाजत करे, अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते रहें अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आज जो है ना आपको एक सरप्राइज़ देने वाले हैं, और वो सरप्राइज़ है महरूर फातिमा का, क्योंकि उनको नहीं पता आज उनकी सालगिरह थी, तो अभी वो आएंगे तो हम उनको देंगे सरप्राइज़। तो अभी आने वाले हैं, आपको सरप्राइज़ दिखाते हैं महरूर फातिमा की सालगिरह का। जी महानूर फातिमा आ चुकी है अपनी मम्मा और अपनी बहनों के साथ। ये है महानूर फातिमा, आज महानूर फातिमा की बर्थडे है। इनको नहीं पता था तो हमने जो है ना छोटा सा एक केक लिया है, अभी केक काटेंगे और हैप्पी बर्थडे टू यू करेंगे। हैप्पी बर्थडे महानूर फातिमा। अल्लाह पाक इसको लंबी ज़िंदगी दे, नेक बनाए, और अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे बनाए चारे बहनों के। और बहुत सारी दुआएं करनी है इन चार बहनों के लिए कि अल्लाह पाक इनके बहुत अच्छे नसीब बनाए और अच्छी किस्मत बनाए अल्लाह पाक। और अल्लाह पाक हर वक्त इनको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह पाक हर कदम पर इनकी हिफाजत करे, आमीन। सरप्राइज फिनिश भी आ गई और जन्नत भी आ गई, माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो जन्नत? ठीक हो? बिनिश कैसी हो? ठीक हो? और अकमल भी आए हैं, अकमल कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज इनको दिया है सरप्राइज महानूर फातिमा को, महानूर फातिमा की है बर्थडे। माशाल्लाह माशाल्लाह महानूर फातिमा, ओए महानूर फातिमा, ओए ओए। और मोहम्मद मुजम्मिल को जो है ना बुखार आ गया है, हुमैरा को भी बुखार है, हाँ बुखार आ गया मोहम्मद मुजम्मिल को। नहीं तो ये बैठने वाला थोड़ी है, ये तो सारा दिन अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, ये बैठने वाला है ही नहीं, आज पड़ा हुआ है चरपाई पे। बिनिस कैसी हो? हमने सरप्राइज दिया है महानूर फातिमा को हैप्पी बर्थडे का। हमने बोला है सिर्फ चक्कर लगाओ हमारे घर, चक्कर लगाओ हमारे घर। और तबीयत कैसी है? अच्छा कब जाना डॉक्टर के पास? हफ्ता है? अच्छा अच्छा, एक हफ्ते को जाएंगे तो जन्नत को डेट मिलेगी माशाल्लाह से। और बहुत सारी दुआएं करनी है जन्नत के लिए, सब ने, सब बैठी फैमिली ने दुआएं करनी है जन्नत के लिए। बिनिश और ये है अलिशबा, महानूर फातिमा की बड़ी बहन, महानूर फातिमा से जो बड़ी हैं ये वो है, ये हाथ मिला रही है महानूर फातिमा हाथ मिला रही है और कह रही है खाला उठाओ। माशाल्लाह से आज एक साल की हो गई है महानूर फातिमा। हाँ महानूर फातिमा, हाँ हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, एक साल की हो गई है हमारी छोटी सी पली। हमें तो पता ही नहीं था, मैं काम से आई हूँ, जैसे ही आई हूँ तो मुझे घर पता चला, जन्नत ने कॉल करके बताया है। इसकी मम्मा को भी पता नहीं था, शाम को आके मुझे पता चला है कि महानूर माशाल्लाह से आज एक साल की हो गई है और आज इसकी बर्थडे है। अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक नेक बनाए, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे बनाए पाले पाले बच्चों के, आमीन। माशाल्लाह से देखें ये छोटा सा केक मंगाया है, बिल्कुल छोटा सा ही है, अभी जूम करके दिखा रही हूँ। ये लिखा हुआ है महानूर हैप्पी बर्थडे, कितना माशाल्लाह से खूबसूरत है। ये वाला केक किसने अपने पापा के साथ काटा है, इसका पापा ड्यूटी पे जा रहा था तो ये घर पे काटा है, और ये वाला जो है ना मैंने और सबा ने मंगाया है। माशाल्लाह से देखिए
हुमैरा खुश हो रही है, देखे तो सही खुश हो रही है। माशाल्लाह से एक साल की हो गई है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू महानूर फातिमा, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तालियां बजा रही है, हुमैरा तालियां बजा रही है। वाह जी वाह, हैप्पी बर्थडे हो गई मानूर फातिमा की। बिस्मिल्ला बजा बजा के हमारा थक गया। हमारा को खिलाओ जल्दी से, दद्दी से खिलाओ। ओ थोड़ा सा गला खराब है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। चलो अभी थोड़ा थोड़ा काट के प्लेटों में डालो और दो। सिर्फ हम ही थे, कौसर लोग, जन्नत और हम लोग थे। हमने किसी को बुलाया नहीं है, बस ऐसे छोटा सा सरप्राइज रखा था क्योंकि पता ही नहीं था। शाम को जैसे घर पहुंची तो जन्नत की कॉल आई, कहती है महानूर फातिमा जो है ना आज एक साल की हो गई है। तो उसकी माँ को भी अभी पता चला है, बैठे बैठे याद आ गया। तो फिर जो है ना हमने प्लान बनाया, मैंने और सबा ने और सलीम ने, तो हमने ना मिलके ये छोटा सा एक छोटा सा नन्ना सा केक लिया और हमने कहा इनको बुलाएं आके चक्कर लगाओ। इन्होंने कहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा थोड़ा सा टाइम निकाल लो आ जाओ। तो ये आए और हमने ये दिया है सरप्राइज महानूर फातिमा को। महानूर फातिमा, महानूर फातिमा, ओ हो अभी कौसर सब के लिए काट रही है और फिर इन प्लेटों में डालेंगे। कुछ कटोरियाँ, कुछ प्याले, चम्मच से निकालो। हल्की फुल्की है बिल्कुल मानूर फातिमा, ऐसे लगता है इसका वजन है ही नहीं। इसको देखें, इसको पहले केक खाने की दद्दी है मेरे बच्चे को। ओए ओए लगा हुआ भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी, हमारे मेहमानों की किस्मत भी इसमें मिली हुई थी माशाल्लाह से। दो चम्मच ले लो ना, दो चम्मच ले लो। हाँ ऐसे करो, ऐसे। हाँ आप पकड़ के डालो। हाँ ऐसे ठीक है। और चम्मच ले आओ, चम्मच काफी सारे पड़े हैं। माशाल्लाह से मैं और कौसर इसमें खा रहे हैं। मानूर फातिमा और जन्नत अकमल भी खा रहे हैं, बिनिश भी खा रही है, करीम भी खा रहा है माशाल्लाह से। करीम की तबीयत जो है ना आज बहुत डाउन है, तबीयत इनकी ख़राब है काफ़ी दिनों से। आज भी बहुत थके थके हुए और सर में बहुत दर्द है इनके। नदीम की दवाई लेने के लिए पता नहीं कह रहा है, चक्कर से आ रहे हैं मुझे और तबीयत सही नहीं है इसकी। अच्छा जी, दवाई लेके आ गई हूँ। ये दवाई लिखी है डॉक्टर ने नदीम के लिए और बुखार भी है इसको। अभी अभी दवाई लेके आई हूँ डॉक्टर से। अच्छा जी, माशाल्लाह से सब चले गए हैं। तो मेहमान भी आ गए थे, मोमल की सास थी, मोमल मेरी जो होने वाली बहू है वो भी थी। माशाल्लाह से सबकी किस्मत में वो केक था। आधा कौसर घर से लेके आई थी और एक छोटा सा नन्ना सा केक हमने लिया हुआ था, मैंने और सबा ने मिल के। माशाल्लाह से महानूर की सालगिरह बहुत ही
अच्छी हो गई है। बुलाया किसी को ही नहीं था, बस यही हम घर के बंदे थे, जन्नत कौसर अकमल, और वो तो कुदरत से आ गई है। मोमल की सास भी थी और मेरी होने वाली बहन भी, तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। और इसमें भी थोड़ा सा चक्का है क्योंकि इसका गला ख़राब है ना, इसको ज़्यादा नहीं खिलाया हमने, इसको भी बुखार है। मोहम्मद मुजम्मिल को भी बुखार है और नदीम के भी दवाई लेके आई हूँ, इसको भी बुखार है, बुखार और हल्के हल्के चक्कर, और इसकी भी तबीयत सही नहीं है, अभी दवाई लेके आई हूँ नदीम की। तो सब माशाल्लाह से चले गए हैं अपने अपने घरों को। हमारा भी लोग अच्छा लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बहन भाइयों के साथ शेयर कर दें, और अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। हमारा आज का भी लोग इतना ही था। ये देखे मुझे मेहंदी नहीं लगाने देते, जब से चोट लगी है कहते हैं कि नहीं अभी नहीं लगाओ, तो ये हाल हो गया मेरे सर का, मुझे मेहंदी नहीं लगाने दे रहे। तो मैंने कहा भी इंशाल्लाह एक दो दिन में लगाऊंगी मेहंदी, क्योंकि चोट की वजह से सिटी स्कैन तो बहुत ही अच्छा आया, सही आया, लेकिन ये जो कान वाला मसला है ना, उन्होंने कहा है आप कान वाले डॉक्टर को दिखा लें, तो ये जो सुन हो रहा है और दो दो तीन तीन आवाज़ें आ रही हैं, कान वाले डॉक्टर को दिखाएं, चोट लगी है ना, नहीं नहीं है तो ये इस तरह से आपको होगा। तो मैंने कहा कुछ दिन देख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाके दिखाऊंगी। तो हमारा आज का व्लॉग इतना ही था, मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो इसके लिए सॉरी, और हमें सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि गरीब को सपोर्ट की ज़रूरत, जैसे गिरती हुई दीवार को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हम भी ऐसे ही हैं। हमें भी आपके सपोर्ट की और आपके प्यार मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है, बराए मेहरबानी हमें सपोर्ट करें। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।